गाइस मम्मी बनाएंगे अब बेल का जूस। बेल पत्थर का तो जो पल्प होता है अंदर का, वो सारा मम्मी ने निकाल लिया और इसके अंदर बीज भी हैं। तो अभी ना इसको पानी में सोक करना है 2-1 मिनट और फिर हम इसको इसी में मैश करेंगे मैशर की हेल्प। गाइस अब देखो इसमें डाला मम्मी ने 1 गिलास पानी और अब इसको मैश करना है मैशर से। मिक्सर ग्राइंडर में बेल का जूस नहीं बनाते क्योंकि उसमें बीज भी पिस जाते हैं तो फिर वो जूस अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, तो इसलिए इसको मैशर से ही मैश करते हैं। इसको मैश करने के बाद इसको ना बड़ी वाली छन्नी में छानते हैं। गाइस इसको छलनी में को छान लेते हैं और जो फाइबर और बीज होता है उसको अलग कर लेते हैं और ऐसे ना ये वाला जूस बहुत टेस्टी लगता है और ये बहुत अच्छा भी होता है गर्मियों में। गर्मियों का सबसे अच्छा शरबत होता है ये बेल का शरबत। ये नानी बना रही है बेल का जूस मौसी के लिए क्योंकि मौसी है डाइटिंग पे। देखो हमने एक बार इस फाइबर को अलग कर लिया एंड इसमें दोबारा फिर से पानी डालना है और फिर से मैश करना है और एक बार इसको हम ओट खानेंगे क्योंकि इसमें अभी थोड़ा बहुत बाकी है। गाइज अब इसमें कुछ नहीं बचा, अब बस ये सूखा हुआ फाइबर रह गया, इसको हम अब फेंक देंगे। देखो बीज इसमें ना पूरे के पूरे हैं और अगर ये बीज पिस जाते हैं तो ये इसको कड़वा बना देते हैं, है ना मम्मा? माय मम्मा इज सो इंटेलिजेंट, मेरी मम्मा को सब पता है कौन सा जूस कैसे बनाते हैं। अब देखो ये बन गया हमारा ओरिजिनल बेल का पल्प आ गया निकल के और ये रह गया कचड़ा कूड़ा कबाड़ा, इसमें सिर्फ बीज है। दूध भी डाल सकते हैं। हाँ दूध डालेंगे हम इसमें, वो अपनी मर्जी होती है किसी को, मतलब शहर के लोग तो दूध डाल के पीते नहीं है, ये इसमें सिर्फ पानी डाल के पीते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप इसमें चाहे तो आप 2 गिलास पानी डाल लो या फिर 2 गिलास दूध डाल लो। मम्मी आधी बेल का बनाया था ना ये पूरा, ये पूरी बेल का जूस है और इसमें लगभग 5 से 6 गिलास बेल का जूस तैयार हो सकता है इससे, ये 1.5 गिलास करीब पल्प होगा। ये डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर किसी को डायबिटीज है तो वो उसमें इसमें बिना चीनी डाले इसको पी सकते हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। ये करने के बाद ना आप इसमें शुगर ऐड करो और फिर दूध डालो और मिक्सर ग्राइंडर में इसको पीस लो। अब ये कड़वा नहीं होगा, इसके बाद अगर आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीसोगे तो अब ये कड़वा नहीं होगा क्योंकि इसके बीज और फाइबर अलग हो गया। अब आप इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस सकते हो। अब मम्मा इसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस, तो मम्मा डाल दिया गाइज ये बन गया जूस और देखो इसमें दूध डाला था ना इसलिए थोड़ा वाइट हो गया, अगर दूध नहीं डालोगे तो ये ब्राउन ऑरेंज ऑरेंज सा रहेगा थोड़ा सा। अब आप इसको फ्रिज में अगर ठंडा होने रख दो 1 घंटा या फिर इसमें बर्फ डाल दो। मम्मी इसमें बर्फ डाल रही है क्योंकि हमें अभी पीना है ये, इसलिए
गाइस अगर आपको ये बेल पत्थर के जूस की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कैसे लगी आपको ये रेसिपी, और टेस्टी टेस्टी जूस बनाना अपने घर पे और पीना, और फिर मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा बना आपका जूस। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।